मैं आ जाएगा खंडेला धाम। पीछे का जो आकार है वो ओम साइज में पूरा। तो था सबने गणेश चतुर्थी की आगामी शुभकामना। कई कुंटल वजन की गदा है, अठा तक 20 मंदिर है। अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, घूमबा लायक है। तो था यार शोक लागो, बहुत बढ़िया, बहुत ही भव्य मंदिर है जी। मेरा नाम सुखदीप शर्मा। क्या जॉब करते हैं? मैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कैथल में हूं, जनरल मैनेजर पर। बहुत बढ़िया सर। देखो मैं जी इटे खंडेला धाम के मायने एंटर हुआ बी माने थे, एक प्रसाद की दुकान मिली है और ई प्रसाद की दुकान को ऊपर सौ पहले चौड़ मगा हाथ दुपाया गया और अठे अपन पूछा गया को नाम का ही है और कथाक साला सो अठे सेवा दे रहे हैं। तो साहब ताको नाम बताओ और अठे खटिया सो और मैं खंडेला से सुनील जी। हाँ जी। और खंडेला का होते और लगभग कथाक साला सो अठे सेवा दे रहे हो? लगभग 10 साल सो अठे ठेला लगा रहे हो और प्रसाद बांट रहे हो, आया गया की सेवा कर रहे हो। बहुत बढ़िया साहब था सुनील, बहुत अच्छा लागो। राम राम सर। भगवान ताकि लंबी उम्र करे और ज्यादा से ज्यादा थे लोगों की सेवा कर पाओ। राम राम। ता सब ने गणा गणा राम राम और गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामना भी सागे सागे। मैं आज आएगा खंडेला धाम जठे थान बहुत सारा मंदिर देखवाता ही मिलेगा और एक मायन आप जी ही एंटर हुआ तो गणेश जी को मंदिर सबसे पहली आवे। तो ये गणेश जी का मंदिर का मायने मैं लगा लिए तिलक प्रसाद चढ़ा दियो और अठे पुजारी जी हैं, आंसू आप बातचीत करा कि वो मंदिर कहाँ सी स्थापना हुई कि और वो क्यों फेमस है। तो पुजारी जी महाराज थे बताओ पहली तो था नाम। जय श्री राम। मेरा नाम मोनू कुमार शर्मा है और फर्स्ट वाला मंदिर बना था ये गणेश जी का बना था, इसके बाद में हनुमान जी का बना, फिर शिव परिवार बना, फिर धीरे धीरे क्या खंडेलवाल समाधि कुल की देवियाँ बन गई। पीछे कुल की देवियाँ बनने के बाद चार धाम का काम चल रहा है, अभी आधा से ज़्यादा हो गया है। और जो पीछे का जो आकार है वो ओम साइज में है पूरा। इस तरफ आप देखोगे तो धर्मशाला खंडेलवाल समाज की 200 प्लस रूम है पूरी VIP और हर बुधवार को मेला लगता है यहाँ पे। तो गणेश चतुर्थी 19 तारीख जो आ रही है अभी एक दिन दो दिन बाद, वहाँ पे बड़ा मेला लगता है, काफ़ी भीड़ आती है। चलो साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज संडे है तो संडे की स्पेशल ऑफिस में छुट्टी मनार में गणेश चतुर्थी सो पहली दो दिन पहली संडे है, मंगलवार की गणेश चतुर्थी है। तो था सबने गणेश चतुर्थी की आगामी शुभकामना। अब थाने आगा का दर्शन करवाओ गणेश जी महाराज के बाद में बालाजी महाराज का दर्शन करवाओ था। गणेश मंदिर से जी ही निकला तो अटे साइड गमाए ने एक ईण की जगह है जटे नाड़ेर बांध्या जाए और मनोकामना मांगी जाए। बहुत ही दूर दूर से लोग अठे मनोकामना मांग बताए आवे और ये कहें कि बाकी पूर्ण भी हुए, राजस्थान का ही नहीं इंडिया भर से और फॉरेन कंट्रीज का लोग भी बैठे हुए हैं। और आज तो भीड़ थोड़ी सी कम है, लगभग बुधवार ने और गणेश चतुर्थी ने अठे काफ़ी अच्छी भीड़ रहेगी। ओ शिवजी महाराज को शिवलिंग है और एक ऊपर शेष नाग भी हैं तो अठे भी मनोकामना मांगी जा रही, काफ़ी अच्छा मंदिर है। देखो अठे गेट के एक साइड के मायने हनुमान जी महाराज को मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर है, बाला नाका भी काफ़ी बढ़िया लगे हैं। और अठे जगह पुजारी जी महाराज जी बगा के नाम तिलक निकलवा लियो, आप प्रसाद भी ले लियो और अब था कि मुलाकात करवाओ पुजारी जी महाराज से। महाराज जी दर्शकन था को नाव बताओ और ये बताओ कि थे अठे कद सो पूजा प्रार्थना कर रहे हो? जी मेरा नाम सुखदीप शर्मा, मुझको यहाँ पे 2 वर्ष हो गए सेवा देते हुए बालाजी महाराज के चरणों में। बहुत बढ़िया सुखदीप जी। तो देखे थे, अब देखो था एक चीज और बहुत बढ़िया दिखाऊं अठे हनुमान जी की जगह अलग अलग जगह लीला ही, वह लीला ऊपर की साइड गमाए ने कुरे देड़ी ही। देखो था मैं बैक कैमरा से दिखा लू, हनुमान जी महाराज जी का भगवान राम और लक्ष्मण ने आपका कंधा को ऊपर बिठार और लंका लेर जा रहे हैं और ए जद बहुत ही छोटा हा भी टाइम को ऊपर सूरज ने निकलवा की कोशिश करी है, निकल भी गया हा। और अठे लंका दहन यानी लंका ने जलाई भी टाइम की बात आई, ऐठे लंका का मायने जद सीता जी रावण अपहरण कर ली ही और हनुमान जी ने भेजो हो राम आपका दूत का रूप में तो वह वहाँ की मूंदड़ी का रूप कमाए ने एक निशानी ले रहा। और ऐठे
पंचमुखी मूर्ति टाइप का मायने बालाजी का दर्शन अठे आप कर पा रहे हैं और अठिन आप देख रहे हैं कि भगवान राम और आगे सागे हनुमान जी जगह ही वह दोनों एक सागे ही अठे तो देख पा रहे हो कि एक पत्थर को ऊपर राम को नाम लिख और फिर वो जो पुल बनाए हो लंका का मायन जा बाकी खातर राम सेतु जगह ना आप कह भी का दर्शन आपने अठे हुआ और अठे शिनू चीर दिखा दिया हनुमान जी कि राम और सीता मेरे दिल का मायन बसे हमेशा हमेशा हनुमान जी भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त बताया जाए और हमेशा आके दिल के मायने निवास करें भगवान राम और अठे ते देख पा रहे हो कि एक सेवक का रूप के मायने माता सीता और भगवान राम की सेवा कर रहे हैं जगह हनुमान जी गोड्डा के सारे बैठे हैं तो बहुत ही शानदार अठे कत्ती टाइप की लीला अपन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नौ टाइप की लीला अपन अठे दिखा रखी हैं और काफ़ी बढ़िया अठे मंदिर भी बनाए हुए हैं। आ देखो अठे हनुमान जी महाराज का मंदिर के ऊपर गदा बहुत बड़ी और बहुत ही महान और काफ़ी कई कुंटला वजन की गदा है अठे जी की हनुमान जी की बहुत बड़ी विराट जी की मूर्ति है बी का जस्ट पास में ही और जी आप गेट के मायने एंटर करा तो लेफ्ट हैंड साइड के मायने हा अठन दिखाड़ा कि अठे खंडेला धाम के मायने 37 कुल देवी और खंडेलवाल वैसे समाज का लगभग 72 गोत्र ही और कोई गोत्र कोई एक गोत्र की है कोई दो की कोई तीन की कोई चार की यहाँ कर जबकि 37 कुलदेवी हैं अलग अलग 72 गोत्र किसे की अलग अलग ही। देखो ये एक लाइन का मायने भी फर्स्ट मंदिर सरस्वती माता सु ले और जो लास्ट को मंदिर है भैरू जी को मंदिर अठारह तक 20 मंदिर हैं यानी देवियाँ का ही 18 मंदिर और इसके अलावा सरस्वती जी और भैरू जी ए भैरू जी एक कोणा को ऊपर और सरस्वती जी ही बटिन फर्स्ट कोणा को ऊपर तो 18 देवी होगी बाकी की देवियों से तन और मिलावा। भाई लोगों में तन पूरी माता का दर्शन कोनी करवा पाऊँ भी के लिए मैं माफी चाहूँ अगर तन सगली माता का दर्शन करना ही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जरूर था के लिए वीडियो में दूसरों बनाऊँ। देखो अपन अठे एक दर्शनार्थी मिलिया तो आप जाना कि आपको नाम का ये कौन सो गाँव है और 18 अंक सोख लगे। मेरा नाम दौलत है मैं पलसाना बदला डी सी और यहाँ आके बहुत अच्छा फील हुआ मुझे। और कौन सी बार आ रहे हो थे मतलब पहली बार आए हो या फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट टाइम ही आ रहे हो अच्छा और अठे मतलब आबा को कहीं रीजन है थे एक बार मैंने कहीं सुने वाला पहली बारह में सुनिया है कि अच्छा टूरिस्ट प्लेस है गुम्बा लाइक है दर्शन गणेश जी का दर्शन कर सका हम अपने अच्छा अच्छा बजरंग बली का कर सका हम और भी माता होता है मंदिर है ये सुनिया तो थन लागियो को शौक मतलब हथियार बढ़िया फील बढ़िया बढ़िया जी एंड की चीज़ थे सुनी है ठगा बारह कमाए ने भी लागू हाँ भी कुछ ज्यादा ही नहीं थी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहुत बढ़िया ऐही खंडेलवाल वैसे समाज का संत सुंदरदास जी महाराज जका अठे ये परिसर के एकदम बीचों बीच की मूर्ति बनेड़ी है बहुत ही जोरदार मूर्ति है और वो जितों भी थन गार्डन को एरिया दिख रहे ये गार्डन को नाम भी आ संत महाराज का नाम को ऊपरी सुंदरदास गार्डन ही है बहुत ही जबरदस्त और भव्य गार्डन है। देखो थे अठिन साफ सफाई को काम भी चल रहे गार्डन में बठिन थे कॉर्नर में देख सको और अठिन मैं थोड़ी देर पहले तक दिखा लिया कि बच्चा थोड़ा पानी भी रीज रहे हो तो भी कमान छिबल छिबल कर रहा। देखो एक लाइन का मायन में तन 20 मंदिर दिखा लिया अब मैं दूसरी लाइन का मायन आएगा वो ओम आकृति को है पूरा परिसर तो सेकंड लाइन का मायन सो फर्स्ट का मायन है गंगा जी को मंदिर और अठे मन पुजारी जी महाराज मिलिया तो पुजारी जी बताओ था को नाम और थे कताक साल से उठे गंगा माता जी का सेवा कर रहे हो। भाई देखो गंगा माता जी तो सबकी माता है जरूर और शारीरिक स्वच्छता आती है शुद्धता आती है तो प्रथम इसलिए इनको माना गया है और इनके साथ ही गंगाधर जी को बुलाया जाता है तो माँ गंगे और गंगाधर ही सब कुछ शुद्ध कर देते हैं ये आप जान लीजिए। ताको शुभ नाम रविंद्र नारायण पंडित और कितने साल से हो यहाँ? हम काशी बनारस से हैं जल्दी में ही आए हैं यहाँ। अच्छा, अच्छा हाँ जी बहुत बढ़िया था सुख मिल के बहुत बढ़िया लगे बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अठियापन और दर्शनार्थी मिले जगह अठे माता जी का पूरा परिसर का दर्शन करवाते हैं
तो आप जाना आपको नाम और हटियारा शौक लगे तो थको शुभ नाम बताओ साहब। रतन। रतन जी ही है और खटिया से बिलोंग करो थे? श्री माधोपुर से हो। और अठे थे पहली बार आया हो या पहली भी आया हो? पहली भी आया होते यानी पहली भी थे दर्शन कर गया। तो पहली अकेला आया है या पूरी फैमिली के साथ आया? दोस्त के साथ। अच्छा पहली तो, पहली फ्रेंड सर्किल यानी दोस्त पार्टी वार्टी तो कौन बनाई थे? अच्छा तो था ना यार शौक लगे बढ़िया लगे। और था को शुभ नाम? मेरा नाम रामोतार सैनी। रामोतार सैनी ठीक है। और पता को नहीं ध्यान है को नहीं ताकि कुलदेवी को नाम कुलदेवी जीण माता ही है। जीण माता जी अठे भी जिया ए जगह बेहतर गोत्र ही बमासू लगभग 13 गोत्र की तो कुलदेवी ही वह जीण माता जी तो आकी भी कुलदेवी वह जीण माता जी। तो चलो साहब थासू मिलर बढ़िया लगे राम राम साहब। देखो यहाँ पे जैसे हम दर्शन करने के लिए आए हैं वैसे ही हमें कुछ दर्शनार्थी और मिले हैं जिनसे हम जानते हैं उनका नाम कहाँ से बिलोंग करते हैं और यहाँ आके उनको कैसा लगा। तो सबसे पहले सर आप अपना नाम बताएं। भाई भूपेंद्र सिंह नाम है सर मेरा। भूपेंद्र सिंह और कहाँ से बिलोंग करते हैं? हाँ मैं कैथल डिस्ट्रिक्ट है नियर अबाउट पटियाला पंजाब। वहाँ से बिलोंग करते हैं? हाँ जी हाँ जी। और वैसे क्या जॉब करते हैं? मैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कैथल में हूँ जनरल मैनेजर पर। बहुत बढ़िया सर आपसे मिल के बहुत अच्छा। ठीक है सर। और सर आपका शुभ नाम? अवतार सिंह जी खेड़ की मैं स्कूल डीएवी स्कूल टीचर। बहुत अच्छे बहुत बढ़िया लगा सर आपसे मिल के। और सर आपका शुभ नाम? दूधराम है जी। दूधराम जी। और आप भी इनके साथ ही हैं? हाँ जी बिल्कुल। और आपका कौन सा डिपार्टमेंट है? सोशल वेलफेयर जी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा सर। जरूर देखो 20 मंदिर तो इस साइड में ही ए जगह थे हेठे देख पा रहे हो 20 मंदिर तो उठे नहीं और 20 मंदिर इस साइड कमाए नहीं तो ए टोटली 40 मंदिर भी कमाए ना सो। एक तो है सरस्वती माता को मंदिर एक काल भैरव को और एक गंगा माता को मंदिर। ए तीन मंदिर कोई कुलदेवे का कोनी ए कोई विशेष गोत्र का कोनी बाकी का 40 कमाए ना सो जगह 37 मंदिर ही वे अलग अलग जगह गोत्र ही बाकी कुलदेवे के मंदिर ही हेठे बेहतर गोत्र ही खंडेल वाला का। और जो धाम है वो सीकर सुन लगभग 50 किलोमीटर दूर और खंडेला सुन लगभग 5-6 किलोमीटर दूर है। तो थे अठे कद भी आस को बुधवार के दिन अठे थोड़ी ज़्यादा भीड़ रहे और अठे वार्षिकोत्सव भी मनायो जाए है। अठे बसंत पंचमी का पहला संडे वार्षिकोत्सव भी मनायो जाए है बहुत बड़ो मेलो भर है। और अठे गणेश चतुर्थी का उपलक्ष्य के मायने भी आज तो संडे है और काल मंडे परसों मंगलवार वाला दिन गणेश चतुर्थी है तो अभी के लिए भी इठे मेला के लिए काफ़ी ज़्यादा तैयारियां चल रही हैं। तो वो वीडियो तक शौक लगे कमेंट कर जरूर बताओ और अगर थे ये चैनल ने सब्सक्राइब नहीं कर रहा क्या तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वो वीडियो अगर थान बढ़िया लगे तो थे और के साथ भी शेयर करो। ई चैनल के ऊपर थान राजस्थानी संस्कृति अठा का रीति रिवाज अठा की वेशभूषा अठा का देवी देवता आँख बारागमायन काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारी में देता रहा था के साथ शेयर करता रहा। राम राम साहब फिर मिलांगा एक नई वीडियो के साथ।